नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बस्तर नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है और बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का मंदिर साज सज्जा से सजाया गया है। हर साल की तरह किन्नर समाज के द्वारा मां दंतेश्वरी को पहली चुनरी चढ़ाई गई। किन्नर समाज के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाता है और गाजे बाजे के साथ नए बस स्टैंड से जुलूस के रूप में मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचते हैं और मां दंतेश्वरी को पहली चुनरी चढ़ाई जाती है। किन्नर समाज के द्वारा यह प्रथा कई सालों से चली आ रही है। किन्नर समाज के द्वारा बग्गी में दो किन्नर सवार होते हैं और शहर के लोगों को चावल फेंक कर आशीर्वाद भी देते हैं। किन्नर समाज द्वारा चुनरी चढ़ाने जब निकले, पूरा शहर उन्हें निहारने और उनके आशीर्वाद के लिए खड़े हुए थे। किन्नर समाज की अध्यक्ष रिया परिहार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मां दंतेश्वरी को चुनरी चढ़ाने हम पहुंचे हैं। शहर में सुख शांति रहे, इसका आशीर्वाद भी हम देते हैं। ये परंपराएं ये हैं कि परंपराएं बहुत समय पुराना था, जो कि हमारे किन्नर समाज की एक रानी फूलमती बाई थी, जो कि जगदलपुर के जो बस्तर के राजा थे, बहुत पुराने समय की बात है, जो हमारे बुजुर्ग बोलते वो उनकी रानी हुआ करती थी। वो उस टाइम से प्रथा चला आया जब माई दंतेश्वरी को सुहागन का पहला जोड़े, यानी कि नवरात्रि के एक दिन पहले हम किन्नर समाज के द्वारा सुहागन का नया जोड़ा पहनाया जाता है। तो ये प्रथा क्या है कि हमारे पुराने लोग गुजर जाने के बाद, अभी फिर से जब हमारे पुराने लोग गुजरने के बाद अभी हमने फिर से जो हम नए जनरेशन के लोग हैं वो 12-15 साल से चीज़ों को, ये कामों को फिर से चालू कर रहे हैं, चुनरी चढ़ाने का। अपने शोभा यात्रा में जयपुर से, राजस्थान से और उड़ीसा से काफ़ी जगह से आते हैं, मतलब पूरा ऑल इंडिया का किन्नर समाज एक एक दो दो करके यहाँ पे किन्नर सम्मेलन होता है। कल कोरोना काल होने के कारण क्या है कि हमने माता को चुनरी तो बराबर चढ़ाया, लेकिन लोग घरों के बाहर से नहीं निकलने के जरिए से, क्या कि लोग भीड़ भाड़ बहुत कम थे। इस बार क्या है कि माँ दंतेश्वरी के वर्ष से हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा सारा कुछ चढ़ा, तो बहुत लोग उत्साहित होकर बहुत सारी भीड़ उमड़ आई और बहुत सारे लोग यहाँ पे, और मैं भी बहुत खुश हूँ। जिस प्रकार हमारे लोग हैं उसी प्रकार हमेशा हम लोग हमेशा खुश रहे।